Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to make a mask of squirrel. First of all, take a A4 color sheet and draw a squirrel face on it. Draw like this. This is ear of squirrel. These are eyes, shape of squirrel. Then cut it. Then take another color sheet and draw the moustache of squirrel on it. हाफ पोर्शन ड्रॉ करेंगे, then डबल फोल्ड करके और उसकी कटिंग कर लेंगे. दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी. इस तरह से एक हाफ पे हमने ड्रॉ किया है. इसे डबल फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे. ये स्क्वेरल की मुस्टाच तैयार हो चुकी हैं. इस तरह से अब हम उसकी आईब्रोज़ को ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके ब्लैक कलर की शीट पे इसे भी कटिंग कर लेंगे. एक जैसी आइडेंटिकल दो आईब्रोज़ चाहिए हमें और एक नोज़ भी ड्रॉ कर लेंगे. इस तरह से अब इनकी कटिंग कर लेंगे. इस तरह से तैयार हो गया है. अब ये एक हमने वाइट शीट का पीस लिया है. इसे डबल फोल्ड करके इस पर एक शेप ड्रॉ करेंगे, ओवल शेप. इसे भी कटिंग कर लेंगे. ये कटिंग होने के बाद इस तरह से तैयार हो जाएगा. अब हम ईयर्स के इनर पार्ट को शीट पे ड्रॉ करेंगे और एक जैसे आइडेंटिकल दो शेप्स को कटिंग करेंगे. इस तरह से अब हम मास्क तैयार करेंगे. ये फेस का जो शीट हमने कटिंग किया था स्क्विरल का फेस, इस पे इस तरह से ग्लू लगा लेंगे. उसके ऊपर ये हमने मुस्टैचेस जो उसके कटिंग किए थे स्क्विरल के, पेस्ट कर देंगे. इसी तरह से ईयर्स की जगह पे ईयर्स को भी पेस्ट कर देंगे. ये दूसरे ईयर को भी इस तरह से पेस्ट कर देंगे. भी सेंटर पे ग्लू लगाएंगे और ये हमने वाइट शेप कटिंग किया था उसे भी पेस्ट कर देंगे. अब आईब्रोज़ को वन बाय वन करके दोनों को अपनी जगह पर पेस्ट कर देंगे. इस तरह से अब ये नोज़ का पार्ट जो हमने शेप कटिंग किया था उसे भी ग्लू के हेल्प से पेस्ट कर देंगे. ये हमारा मास्क रेडी हो चुका है. अब इसके दोनों साइड्स पे एक एक होल करेंगे ताकि हम उसमें इलास्टिक या रिबन लगा के इसे मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं. ये हमने नीचे दो टिथ भी लगा दिए स्क्विरल के. वाइट कलर के पेपर से कटिंग करके दोनों टिथ बनाए हैं.